चलो, कल हमने प्रोटीन स्टार्ट करे थे, तो प्रोटीन प्रोटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हो तो हमें क्या मिलती है? हमने सीखा पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स हमने क्या सीखा? हमें क्या मिलते हैं? अमाइनो एसिड। ठीक है, और अमाइनो एसिड टू टाइप के जो कि हैं असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। ठीक, अब इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं थ्री टाइप के, अकॉर्डिंग टू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक, एसिडिक अमाइनो एसिड वो होता है जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड। हर अमाइनो एसिड में एक ये कार्बन होती है और एक सी ओ ओ एच ग्रुप है। कार्बन चेन जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है, ठीक है, कार्बन चेन जितनी मर्जी, और एक एन एच टू ग्रुप होता है। जैसे कि एस्पार्टिक एसिड में ये दो सी ओ एच ग्रुप आ जाते हैं, इसकी वजह से ये एसिडिक हो जाता है। न्यूट्रल में क्या होगा? न्यूट्रल में बेटे ये एक अमीन ग्रुप होगा और एक सी एस थ्री ग्रुप होगा, बस। और न्यूट्रल कुछ मर्जी बना लो, जैसे सी एस थ्री, सी एच, सी एन एच टू। ये न्यूट्रल है। बेसिक में क्या होगा बेटे? बेसिक में दो एन एच टू ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है, बेसिक में टू एन एच टू ग्रुप। लाइक ये वाला तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे एक और है, तो टू बेसिक ग्रुप हो जाएंगे। आपने सारे अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देख लेना, असेंशियल कौन से हैं, नॉन असेंशियल कौन से हैं, बेसिक कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं, एसिडिक कौन से, ठीक है। अब इन अमाइनो एसिड की क्या खासियत है कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये सॉलेबल है वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दे एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। जो न्यूट्रल होगा उसमें ज्विटर आयन होगा। ज्विटर आयन क्या है? क्योंकि एक ही अमाइनो एसिड में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, वेरी ज्विटर आयन। लाइक अगर मैं ये बनाती हूँ बेटे, दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, जैसे ग्लाइसिन, ठीक है। अब ये ज्विटर आयन की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है? यहाँ पे होते हैं लोन पेयर, इन लोन पेयर के पास ये वाला एच पॉजिटिव चला जाता है क्योंकि ये बेस है, और ये एसिड है इसको दे देता है, और ये इसके साथ इक्विलिब्रियम पे स्टे करता है। इक्विलिब्रियम में स्टे करता है मींस एसिड से क्या चला गया? एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव कहाँ चला? अमाइनो एसिड के ही बेस के ऊपर, तो उसके ऊपर ही पॉजिटिव और नेगेटिव आया, तो इसे कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज में बेसिक और एसिडिक ग्रुप दोनों हैं।
फिर आते हैं बेटे उसके बाद आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पूछ लेते हैं। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, बस एक पॉइंट पॉइंट लिखने हैं इसमें, इस चैप्टर में। तो अब देखो क्योंकि अमाइनो एसिड चार स्पीशीज है, ठीक है, ड्यूटेरॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, ठीक है। अब जब आप अंडर इलेक्ट्रिक, समझ लो बस, समझने वाली चीजें, एमसीक्यू आने हैं तो। अब अगर आप इसको इलेक्ट्रिक करंट की इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करता है? कैथोड की तरफ। नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड की तरफ, ठीक है। अब हो सकता है कि एसिडिक ग्रुप है, तो एसिडिक ग्रुप में क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। जब बेसिक ग्रुप ज्यादा होंगे तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो किसकी तरफ मूव कर जाएगा? एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, ठीक है। अब हम पीएच ऐसा चेंज करें, पीएच इतना रखें कि हमारा अमाइनो एसिड कहीं भी मूव ना करे, ना कैथोड की तरफ ना एनोड की तरफ। जब हमारा अमाइनो एसिड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसे पीएच के ऊपर कि कहीं भी मूव नहीं करता, वो अमाइनो एसिड का क्या जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब मेरे पास एसिडिक अमाइनो एसिड है, अगर मैं उसमें बेस डाल दूंगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो मूव नहीं करेगा, वो बीच में ही रहेगा, क्योंकि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव। हर एक अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होता है, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड में NH2COH ग्रुप अलग होंगे, कार्बन भी अलग होंगे, डिपेंडिंग कितनी कार्बन की लेंथ है वो भी इफेक्ट करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस प्लेस करेगी, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है कि उस पीएच के ऊपर जहां पे आपका अमाइनो एसिड कहीं मूव नहीं करता अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड आइसो। समझ आ गई? समझा करो, बस पढ़ा करो, पढ़ने वाला चैप्टर है। फिर उसके बाद आ जाओ बेटे पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर। पहले तो 1 मार्क्स का पेप्टाइड बॉन्ड एम ही आ जाता है, अब इस बारी तो पता ही नहीं, हमें खुद ही नहीं पता, बट इस पेप्टाइड बॉन्ड आ जाओ। अमाइड लिंकेज सुनिए, अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड, अमाइड ग्रुप क्या था हमारा, अमाइड, हमने एसिड के डेरिवेटिव में मैंने आपको बोला था कि एक अमाइड होता है जो एसिड का डेरिवेटिव होता है, NH2 के साथ, वो तो अमीन हो गया NH2। ONH2 कहां से हो गया? CONH2, CONH2 अमाइड ग्रुप होता है। अगर रिएक्ट करो, अगर एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करोगे और वाटर निकालो तो क्या बनता है? अमाइड ग्रुप नहीं बनता, तो अमाइड ही नहीं अभी तक पता हमें। करो एसिड और अमोनिया को रिएक्ट और वाटर मॉलिक्यूल निकालो, ये एसिड का डेरिवेटिव है अमाइड। क्या ग्रुप बना? CONH2 नहीं बना, सी डबल बॉन्ड ओ, एसिड का ओ एच निकालो, अमोनिया का एच निकालो, और बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने हेलो एल्केन को KCN से रिएक्ट किया था तो 3 चीज बनी थी आपके पास, एक अमाइड, एक अमीन, एक एसिड।
अमाइड बनता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस से। अगर अमाइड ग्रुप ही नहीं पता तो हम क्या करेंगे आगे? बन गया अमाइड, सीओ एन एच टू लिंकेज आ रही है, आ गई। अब अमाइनो एसिड में भी क्या है, एक सीओ एच और एक एन एच टू है, हर एक अमाइनो एसिड में ये तो पक्का ही है कि एक एसिड ग्रुप है एक अमीन ग्रुप है, तभी ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ग्लाइसीन ले लूं, और ये मैं एक ले लूं एलनीन, ये हमारा ग्लाइसीन और ये हमारा एनिलीन है। अब इससे ओएच निकलेगा, इससे एच निकलेगा, तो इन दोनों में लिंकेज बनेगी। ये कैसे बनेगी, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड O NH C CH3, और ये आगे जो आगे ग्लाइसीन होगा उसके साथ बनाएगा, तो इसको यहाँ पे हम C डबल बॉन्ड O पे छोड़ देंगे, और इधर भी आप यहाँ पे सिर्फ NH पे छोड़ोगे। अब ये जो लिंकेज बनी है ये अमाइड ही है कि नहीं है, ये सीओ एन एच टू लिंकेज क्या है, अमाइड ही तो है कि नहीं है, इसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं प्रोटीन। समझ आ रही है, एक का एसिड का ग्रुप, एक का एनएच का ग्रुप, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है, तो ये एक बॉन्ड स्टेब्लिश होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड में, इसे हम पेप्टाइड लिंकेज बोला जाता है। कौन सी लिंकेज को, सीओ एन एच की लिंकेज है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये ग्लाइसिन एलनीन एन नंबर्स हो, बहुत सारे हों, और यहां से हम एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो एन नंबर ये कंबाइन हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेंगे, पॉलीपेप्टाइड इसको कहते हैं। ए दो अमाइनो एसिड कंबाइन हुए तो पहली पेप्टाइड लिंकेज एस्टैब्लिश हुई, ऐसे एन नंबर ऑफ कंबाइन होंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे। पॉली मीन्स मैनी पेप्टाइड्स, समझ आ गई, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। अब एमसीक्यू में आपसे यही पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर बना के ये पूछ लेंगे, ये पेप्टाइड लिंकेज है ये है ये है ये, क्या कर सकते हैं बेचारे, नहीं जोर बोला। हाँ वो पेप्टाइड लिंकेज होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, मगर अब आपके सिर्फ मोनोसैचराइड्स हैं तो इसलिए मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पे गई हूँ। फिर भी याद रख लो, ग्लाइकोसाइडिक अगर बाय चांस लिखा आ जाए तो वो दो कार्बोहाइड्रेट में होती है। ठीक है, चलें आगे। अब आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। ये सीधा बेटे डिफरेंस आता था पहले, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, तो आप इन प्रोटीन के बारे में लिख लो। अब एमसीक्यू में आ सकता है कि ये प्रोटीन में कौन सी लिंकेज है, तो डिफरेंस में किया होगा तो इजी हो जाएगा। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर,
शुरू करने से पहले जो हमारे हेयर्स है ना, वो फाइब्रस प्रोटीन है, जो सिल्क होती है ना वो फाइब्रस प्रोटीन है। अभी आपको ध्यान में आ जाएगा, एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, व्हाट इज फाइब्रस, जो गोल गोल घूमी होती है ना, जैसे मायोसिन वगैरह, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ठीक है, अब दिमाग में आपके लिखना इजी हो जाएगा, व्हाट इज फाइब्रस, व्हाट इज ग्लोबुलर। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन फाइब्रस द पेप्टाइड चेन्स रन इन पैरेलल टू ईच अदर। आगे हम इसको बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, ऐसे एक दूसरे के ऐसे रन पैरेलल। ये एक पेप्टाइड है पॉलीपेप्टाइड, ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड है, ये चेन्स ऐसे रन करती हैं एक दूसरे पे। ठीक है, और ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होगा, दे आर कॉइल्ड, दे आर अरेंज इन द कॉइल्स और दे आर कॉइल्ड। अगर ये रन पैरलर करेंगी बेटे तो ये कैसी लग रही है हमें, थ्रेड लाइक नहीं लग रही? तो आप लिख सकते हो सेकंड, थ्रेड लाइक। और ये कैसी लग रही है, गोल गोल घूमी होगी, ग्लोब, सफेरिकल, ग्लोबुलर के नेम से पता चल जाता है, सफेरिकल। क्या सिल्क पानी में डिजोल्व करती है? क्या पानी, आपके बाल पानी में डिजोल्व कर जाते हैं? तो ये इनसॉल्युबल होती हैं, इन वाटर दे आर सॉल्युबल इन वाटर। टाइम से है आजकल ये यूज करती है। अब और कहाँ पहुंचे, स्फेरिकल ग्लोबुलर हो गया, सॉल्युबल इनसॉल्युबल हो गया। ठीक है, ये जो प्रोटीन है, हमारे बाल क्या टेम्परेचर सेंसिटिव है? हमारे अब टेम्परेचर बढ़ गया, बाल कुछ हो गया तो ज्यादा करोगे तो गे, ये थोड़ी ना गलने शुरू हो जाएंगे। अब एग एल्ब्यूमन है, उसको हीट करोगे तो ज्यादा खराब हो जाएगा, मतलब हीटिंग से कुछ इफेक्ट होता है। तो ये ज्यादा पीएच और टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होती, फाइब्रस नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। ये नहीं जला देना है, स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं। अब दे आर अफेक्टेड बाय स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारी बेटे फाइब्रस प्रोटीन होती है, उसका कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, हमारे बाल हमारे अंदर कुछ नहीं कर रहे, बट ये सिर्फ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ एनिमल टिश्यू। राइट डाउन, दे आर ऑफ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल टिश्यू। और द ग्लोबुलर प्रोटीन दे हैव बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, कि फाइब्रस जो है रन पैरेलल कर रहे हैं ग्लोबुलर कॉइल्स की तरह है, तो ये कैसे नजर आते हैं, थ्रेड लाइक।
और ये कैसे नजर आते हैं? स्फेरिकल आते हैं। फिर ये थ्रेड लाइक है, ये डिजोल्व नहीं करते वाटर में, ये डिजोल्व कर जाते हैं। इनको स्मॉल चेंज इन पीएच या टेम्परेचर कोई भी इफेक्ट नहीं करते। ये स्मॉल इन टेम्परेचर और प्रेशर विल इफेक्ट दिस प्रोटीन, ठीक है। ये सिर्फ एंड सिर्फ एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल टिश्यू वर्क करती हैं, और उनमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है इन केस ऑफ ग्लोबुलर। टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, ऑन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अब आज देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है